CSIR June 2016 में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेट ए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन गिवन लेट यू मी द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यू एक्स एक्स यू वाई वाई इक्वल टू जीरो फॉर जीरो लेस देन एक्स एंड वाई लेस देन पाई। हियर बाउंड्री कंडीशंस एंड फोर ऑप्शंस आर हियर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट सॉल्यूशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो एंड विच इज़ अ लाप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ बाउंड्री कंडीशंस हियर यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो यू एक्स पाई इक्वल टू जीरो एंड यू पाई वाई इक्वल टू साइन वाई प्लस साइन टू वाई। नाउ हियर अकॉर्डिंग टू दिस विच इज एक्स एक्सिस एंड विच इज वाई एक्सिस। हियर वाई इक्वल टू जीरो नाउ यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस इज एंग वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो नाउ यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। हियर वाई इक्वल टू पाई दैट इज यू एक्स पाई इक्वल टू जीरो एंड हियर एक्स इक्वल टू पाई एंड यू पाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ फाई। सो द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज यू एक्स वाई सी वन कॉस लैम्डा वाई प्लस सी टू साइन लैम्डा वाई सेकेंड इज सी थ्री कॉस एच लैम्डा एस प्लस सी फोर साइन एच लैम्डा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो यूजिंग टू यू गेट सी वन इक्वल टू जीरो हियर एंड इक्वेशन टू बिकम्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी वन इक्वल टू जीरो इन टू एंड वी गेट यू एक्स वाई इक्वल टू सी एन सी टू साइन लैम्डा वाई सी टू साइन लैम्डा वाई एंड सी थ्री कॉस एच लैम्डा एस प्लस सी फोर साइन एच लैम्डा एक्स हियर्स। नेक्स्ट अप्लाइज सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो इन अबो इक्वेशन मीन इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ वी गेट सी थ्री इक्वल टू जीरो। नाउ इक्वेशन थ्री बिकम्स हियर यू एक्स वाई इक्वल टू सी टू सी फोर सी थ्री जीरो सी टू साइन लैम्डा वाई सी फोर साइन एच लैम्डा एक्स सी टू सी फोर साइन लैम्डा वाई साइन एच लैम्डा एक्स। दिस इक्वेशन नंबर फोर। अगेन अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस यू एक्स पाई इक्वल टू जीरो। नाउ अबो इक्वेशंस द सी टू सी फोर साइन लैम्डा पाई साइन एच लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ हियर सी टू सी फोर साइन एच लैम्डा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो टेन साइन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा पाई इक्वल टू जीरो। नाउ साइन लैम इक्वल टू एन पाई सो लैम्डा पाई इज इक्वल टू एन पाई इम्प्लाई दैट लैम्डा इक्वल टू एन। सो फ्रॉम फोर हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो लैम्डा सी टू सी फोर साइन एन वाई साइन एच एन एक्स। नाउ यू एक्स वाई इक्वल टू समीशन ऑफ वन टू इन्फिनिटी यू एन एक्स वाई इज इक्वेशन फाइव। नाउ यू एक्स वाई इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन वाई साइन एच एन एक्स इज इक्वेशन नंबर सिक्स। एक्सपेंड इक्वेशन सिक्स वी गेट यू एक्स वाई बी एन साइन वाई साइन एच एक्स बी टू साइन टू वाई साइन एच टू एक्स। पुटिंग एन इक्वल टू वन वी गेट फर्स्ट टर्म पुटिंग एन इक्वल टू टू वी गेट सेकेंड टर्म्स। इक्वेशन नंबर सेवन और यू पाई वाई इज बी वन साइन एच पाई साइन वाई बी टू साइन एच टू पाई इंटू साइन टू वाई प्लस डॉट डॉट अप टू बी एन। इक्वेशन नंबर एट नाउ गिवेन यू पाई वाई इज इक्वल टू साइन वाई प्लस साइन टू वाई दिस इक्वेशन नंबर नाइन। यूजिंग ए सेवन यूजिंग नाइन एट वी गेट लेफ्ट हैंड साइड बी वन साइन एच पाई साइन वाई बी टू साइन एच टू पाई साइन टू वाई एट हियर एंड इक्वल टू साइन वाई प्लस साइन टू वाई। Equating the coefficient of the like term on both sides of 10, we get like term means this is sin y and sin y left hand side, right hand side sin y, sin 2y left hand side and sin 2y right hand sides. So now compare b1 is equal to 1 upon sin s pi and b2 equal to 1 upon sin s 2 pi. And bn equal to 0 when n is greater than 2. Putting the value of bn and b2 in equation
7, we get equation 7 here. B1, put the value of B1 and B2, we get. So B1, put here, ux y equal to sin h pi raise power minus 1 sin y sin h x plus sin h 2 pi raise power minus 1 sin 2 y sin h 2 x. This is equation number 11. Now our given option, u1 pi by 2 equal to, put the value in place of x1 and y is equal to pi by 2. The first term here, sin s pi raise power 1, and it is 1, sin pi by 2 is 1, and sin h1, plus second terms, sin s 2 pi raise power minus 1, sin s pi raise power minus sin 2 into pi by 2, we get the sin pi, so it will be 0. So here neglecting, don't write second, the second term is 0. Next, u1 pi by 4, so putting x equal to 1 and y equal to pi by 4 in 11, so sin h pi raise power minus 1 sin h1, next sin y means sin pi by 4 plus sin h 2 pi raise power minus 1 sin 2 into pi by 4 means we get sin pi by 2 and sin h 2. So u1 pi by 4 simplify sin h raise power minus 1 sin h1 sin pi by 4 is 1 by root 2 and sin h 2 pi raise power minus 1 sin h 2 and sin pi by 2 is 1. So thus option number 1st and 3rd are correct. So option 1st here and 3rds, 3rd, 1st and 3rds are correct. Thank you.